वालेकुम अक्सर आपने देखा होगा खुद आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी पेट में ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है जो किसी भी दवाई या एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाती पेट में मरोड़ का रहना गैस का बनना कुछ भी खाएं तो उसके बाद महसूस होना कि आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा ऐसे लोग कोई भी गज़ा सहूलत और आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उसके बाद फ़ौरन पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों को अक्सर एंटीबायोटिक्स जिसमें एंटी प्रोटोजोल्स भी शामिल हैं या एंटीबैक्टीरियल्स जिनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं मसलन मेट्रोनीडोजोल फ्लेजिल के नाम से जो आती है या सेप्रोफ्लॉक्सिसीन जो कि एक एंटीबायोटिक है या इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं ये लोग इन अद्वियात का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अक्सर ये फेल भी हो रही होती हैं लेकिन उनकी चूंकि मजबूरी होती है तो ये लोग ऑन एंड ऑफ फ्लेजल या सेप्रो या इसके अलावा चाहते एक और एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको अफाका नहीं हो पाता या इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी और इन्फेक्शन मसलन गले का इन्फेक्शन या फेफड़ों का इन्फेक्शन ब्रोंकाइटस वगैरह उनके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लंबे अरसे तक कर लेते हैं या कोई भी और इन्फेक्शन हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो उनके लिए चूंकि उनको एंटीबायोटिक्स तजवीज की जाती हैं तो अगर एंटीबायोटिक्स लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो ऐसे लोगों की आंतों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक यूज करें तो आपका पेट खराब हो जाता है तो किसी ने अगर एक लंबे टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की और उसकी वजह से उसको डायरिया हो गया तो ऐसा डायरिया सुपर इन्फेक्शन की वजह से होता है तो ऐसे लोगों का डायरिया भी किसी चीज़ से ठीक नहीं हो पाता क्योंकि डायरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं या डायसेंट्री को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं लेकिन इनको डायरिया या डायसेंट्री खुद एंटीबायोटिक्स की वजह से हो रही है तो इन पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेंगी तो आज जो मैं अद्वियात बताऊंगा वो इस मसले के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं दरअसल वजह ये होती है कि उनकी आंतों के अंदर मौजूद जो दोस्त बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं जो कि इंसान के, के निज़ाम में हेल्प करते हैं मदद करते हैं वो इन एंटीबायोटिक्स के लंबे इस्तेमाल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी ये दोस्त बैक्टीरिया ये तबाह हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको लूज़ मोशनस रहते हैं ऐसे मोशनस बहुत ज़्यादा वाटरी भी हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि पाखाने ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के नहीं होते उनमें म्यूकस ज़्यादा होता है और पेट में काफ़ी तकलीफ़ के बाद ऐसे स्टूल्स का अखराज होता है इसके अलावा वो लोग जिनको आई बी एस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रम है उनकी बड़ी आंत में हमेशा सोजिश रहती है ऐसे लोगों को अक्सर पेट में या आंतों में दर्द रहता है पूरे पेट में भी दर्द महसूस होता है हर वक्त ब्लोटिंग रहती है पेट में शदीद गैस कभी डायरिया कभी कब्ज़ और कभी दोनों और मुख्तसर वक़े के साथ होते रहते हैं ये एक दरिना या क्रॉनिक मसले की सूरत में अक्सर लोगों को होता है इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अगर आपको ऐसी अलाम आ रही हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डायग्नोजेज़ होनी चाहिए कि आपको वाकई आई है ऐसे लोगों को पहले पहल अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए अपनी खुराक तब्दील करनी चाहिए वो तमाम गज़ाएँ जिनसे इनका ये मसला शिदत इख्तियार करता है उनको अवॉइड करना चाहिए किसी दिन इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये मसला बहुत सारे लोगों को है और इस पर एक तफसीली डिस्कशन बनती है अच्छा तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रोबाइटिक बताता हूँ जो इन तमाम कैफियात ने जो अभी तक मैंने आपसे ज़िक्र की शुरू की स्लाइड्स में और आई की स्लाइड में भी अगर आपको आई है उसकी वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो भी आप ये प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको ये बीमारी नहीं भी है और आपका पेट हर वक्त ख़राब रहता है और आपको हर वक्त एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं आपको इजीली पेट का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये प्रोबायोटिक आपके लिए अच्छी है लेकिन इसका इस्तेमाल भी आपने तवील अरसे के लिए नहीं करना जब आपका पेट ज़्यादा ख़राब हो तो आप इसको इस्तेमाल करें या जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो लोग जो एक तवील अरसे तक किसी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उन एंटीबायोटिक्स की वजह से अगर उनका पेट खराब हो जाता है तो वो लोग भी आ, ऐसी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होगा तो ये प्रोबायोटिक प्रपरेशन कुछ ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया से मिल के बनी होती है जैसे लैक्टोवेसल स्पीशीज़ बेफिडोबिकटीरियम स्पीशीज़ और सकेरामाइसिस स्पीशीज़ तो ये तीन ज़्यादा अहम हैं और ये प्रोबायोटिक जिसके अंदर ये सब शामिल होते हैं इनमें से ये पहले दो शामिल होते हैं ये दो भी अगर किसी प्रोबायोटिक में शामिल हों तो उनकी आईबीएस की शिकायत या उनकी तवील अरसे का जो एक पेट खराबी चल रही है उसमें इनको काफ़ी इफ़ाका हो जाता है और वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं तो ये दोस्त बैक्टीरिया जो कि बाहर से अब आपके जी को आपकी आँतों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये साशे की शक्ल में मौजूद हैं आप दिन में इन साशे का एक से दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल आसान है ये पाउडर की शक्ल में होते हैं आप वो पाउडर मुंह के अंदर उंडेल लें और पानी के साथ निगल लें या फिर आप इसे पानी में हल करके भी पी सकते हैं और आप इसका एक ड्रामाई असर देख कर खुद भी हैरान रह जाएंगे तो ये प्रोटीक के नाम से फार्मेसी पे दस्याब होगा अगरचि एक फ्रांसीसी वर्ड है इसको प्रोटीजे कहते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्रोटी या प्रोटी बोल सकते हैं तो ये टू ग्राम के साशे किसी भी अच्छी फार्मेसी पे दस्तियाब होते हैं वहां से आप ले सकते हैं और इस साशे में इन दो फ्रेंडली बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीशीज आपको मिलेंगी इनका जिसम पर या हमारे सिस्टम में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये कैसे काम करते हैं इस पर आइंदा किसी वीडियो में बात कर लेंगे मगर यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि ये ऐसे दोस्त बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई एक प्रोबायोटिक है जो हमारी आंत या गट के अंदर मौजूद नॉर्मल फ्लोरा या दोस्त बैक्टीरिया को बनाती है यानी उनकी कॉलोनीज को इंश्योर करती है उनकी कॉलोनीज बनाती है जिसकी वजह से हमारी आंतों की खराबी तेजी से दुरुस्त हो जाती है तो इसकी साइंस आइंदा किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो इसको आप खाने से दस से तीस मिनट पहले इस्तेमाल करें तो बेहतर है इसके कोई ऐसे काबिल जिक्र साइड इफेक्ट्स नहीं है जिनका जिक्र ज़रूरी हो और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक रिसर्च भी नज़र आएगी जिसमें ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया को आई के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने को मिले इसके अलावा ये जो सेकेरोमाइसिस का जिक्र हुआ था ये भी अलग से दस्याब है आ, एन फ्लोर के नाम से आती है ये भी साफ़ फॉर्म में है जिसके अंदर 250 मिलीग्राम मौजूद है और ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसकी डोज भी बिल्कुल वैसे ही है यानी एक सुबह एक शाम में खाने से 10 से 30 मिनट पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं किसी और वीडियो में अल्लाह नासर